वेलकम फ्रेंड्स एट प्रोजेक्ट एजुकेशन। जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करें, एंड जिन्होंने बेल आइकन नहीं दबाया वो बेल आइकन दबाएं। तो फ्रेंड्स, लोकेशन ऑफ रूट नेक्स्ट लेवल प्रॉब्लम्स में आगे बढ़ते हुए अपना क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ द पैरामीटर ए। अपन को पैरामीटर ए की वो सारी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, फॉर विच, जिसके लिए द इनइक्वलिटी, ये इनइक्वलिटी लेस देन इक्वल टू जीरो रहती है, इज सेटिस्फाइड फॉर एटलीस्ट वन रियल एक्स। ये एटलीस्ट वन रियल एक्स के लिए किसको सेटिस्फाई कर रही है, इस इनइक्वलिटी को, लेस देन इक्वल टू जीरो। तो इसको सोल्व करने के लिए अपन क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ट्रांसफर करते हैं। कैसे कर पाएंगे अपन, 2 raised to the power x को क्या अज्यूम करते हैं, इसको लेट करते हैं t, लेट 2 raised to the power x इज इक्वल टू 2। तो फ्रेंड्स ये वाली इक्वेशन क्या बन गई, ये वाली बन गई t स्क्वायर माइनस ए टी माइनस ए प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। अब सोचने वाली बात फ्रेंड्स, सोचने वाली बात यह है कि 2x का ग्राफ कैसा होता है, 2x का ग्राफ होता है फ्रेंड्स इस टाइप में। इस टाइप में क्या हुआ, 2 raised to the power -∞, अगर पुट करूं मैं तो ये किसको टेंस करेगा, 0 को, देख लो 0 को टेंस करेगा। क्यों करेगा देख लो आप, 2 raised to the power -∞ यानी 2 upon 1 upon 2 raised to the power ∞, ऐसे लिख सकते हैं इसको। और 2 को इनफाइनाइट टाइम मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 1 upon infinite यानी 0। तो ये 2 raised to the power -∞ किसको टेंस करेगा, 0 को। 2 raised to the power 0 किसके बराबर क्या होगा, 1। एंड 2 raised to the power infinite किसको टेंस करेगा, इनफाइनाइट को। देखो माइनस इनफाइनाइट पे 0 को टेंस करेगा, 0 पे क्या होगा, 1, और इनफाइनाइट पे किसको टेंस करेगा, इनफाइनाइट को। तो ग्राफ यहां से तो 0 की तरफ जाएगा, यहां से इनफाइनाइट की तरफ, तो ग्राफ ऐसा ही बनेगा। अब ऐसा बनेगा तो इसकी रेंज क्या हुई, 2 की पावर x की, 2 की पावर x की रेंज हुई फ्रेंड्स 2 की पावर x एलिमेंट ऑफ, देखो यहां 0 से ऊपर और वहां इनफाइनाइट से नीचे, तो 0 टू इनफाइनाइट। तो फ्रेंड्स कहने को मैं ये बोल सकता हूं यहां पे कि t एलिमेंट ऑफ 0 टू इनफाइनाइट, t किसका एलिमेंट हुआ, 0 टू इनफाइनाइट, यानी t कहां से कहां तक जाएगा, 0 से इनफाइनाइट तक जाएगा। तो मैंने ये क्वाड्रेटिक बनाई फ्रेंड्स, तो ये क्वाड्रेटिक में t 0 से इनफाइनाइट जाएगा, कहने का मतलब t को 0 से इनफाइनाइट में रखना है, ठीक है, और इसको क्या करना है, लेस देन इक्वल टू 0, किसके लिए, फॉर एटलीस्ट वन रियल एक्स के लिए। तो कहने का मतलब अगर क्वाड्रेटिक बनाए तो वाई एक्सिस के इधर तो अपन ग्राफ ला ही नहीं सकते, न अपन 0 पे ग्राफ ला सकते हैं, तो 0 के जस्ट उधर रहना चाहिए ग्राफ, और 0 के जस्ट उधर रहते हुए क्या होना चाहिए, या तो 0 से लेस होना चाहिए या 0 के बराबर, तो ग्राफ ऐसा होगा या ग्राफ ऐसा होगा टच करते हुए, ये ग्राफ होगा फ्रेंड्स। ये दो ग्राफ बन सकते हैं और कोई सा ही नहीं बनेगा, और यहां पे a ग्रेटर देन 0 इसलिए पैराबोला अपवर्ड है, और यही कंडीशन बनेगी, नेगेटिव x की तरफ कोई आएगा नहीं, तो ये वाली कंडीशन अपने बन गई। तो ये कंडीशन बनी तो फ्रेंड्स यहां पे क्या हुआ, यहां पे देखो f 0 को ग्रेटर देन 0 कर नहीं सकते क्योंकि 0 अपने इंक्लूड ही नहीं है, तो 0 पे तो अपने को वैल्यू लेनी ही नहीं है, तो 0 पे लेनी नहीं है। देखो a गया, f 0 आप ले नहीं सकते, क्यों, क्योंकि 0 इसमें इंक्लूड ही नहीं है। फिर माइनस b बाई 2 है, ग्रेटर देन 0 है, जो ये माइनस बी बाई 2 है वो क्या है, 0 से ग्रेटर है उधर है, तो माइनस बी बाई 2 है ग्रेटर देन 0, कंडीशन लगाए यहां से, यहां से देखा तो क्या कंडीशन बनी, माइनस माइनस बी क्या हो गया, माइनस ए हो गया अपॉन 2, ए की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, यानी ए बाई 2 ग्रेटर देन 0 यानी ए ग्रेटर देन 0। तो फ्रेंड्स अपने पास कंडीशन क्या आई, ए ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन आई, तो ए ग्रेटर देन 0 हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लेवल पे, नेक्स्ट लेवल पे आगे बढ़ते हैं, तो ए ग्रेटर देन 0 हुआ, उसके बाद अपने पास क्या हुआ कि डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डी या तो ये 2 टाइम्स कट करेगा यहां पे 2 पॉइंट्स पे, और या फिर ये सिंगल पॉइंट पे कट करेगा, तो कंडीशन क्या बनेगी, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसके अपन निकालते हैं क्या सॉल्यूशन आते हैं, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस 4 यानी 4 1 ये 1 एंड सी 3 माइनस ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हुआ कंडीशन। तो यहां क्या होगा, ए स्क्वायर ये हो गया माइनस 4 ये सॉरी प्लस 4 ए है ना माइनस 12 है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टराइजेशन हो गए फ्रेंड्स कि ए प्लस 6 एंड ए माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ए प्लस 6 एंड ए माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स क्या क्या है अपने पास, माइनस इनफाइनाइट से माइनस 6 यूनियन ये हो गया आपने 2 से इनफाइनाइट। इसी चीज को मैं यहां थोड़ा साफ लिख देता हूं, माइनस इनफाइनाइट से माइनस 6 यूनियन 2 से इनफाइनाइट,
ये अपन नंबर टू सॉल्यूशन आ गया कि नंबर सेकंड कंडीशन और ये वाली क्या थी नंबर फर्स्ट कंडीशन, ये फर्स्ट मान ले और वो सेकंड मान ले। तो अपने माइनस बी बाई टू ए को फर्स्ट माना, डी को अपन ने क्या माना सेकंड कंडीशन माना, ये आया फर्स्ट इंटरसेक्शन टू। फर्स्ट एंड सेकंड का इंटरसेक्शन ले फ्रेंड्स तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है ए ग्रेटर देन जीरो, तो इंटरसेक्शन क्या आएगा टू से इनफाइनाइट। तो अपना फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर को अपन यहां लिख दे, क्या लिखें वन इंटरसेक्शन टू, यानी क्या होगा ए एलिमेंट ऑफ टू टू इनफाइनाइट, ये अपना फाइनल आंसर होगा फ्रेंड्स। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन कैसे हुआ। तो फ्रेंड्स ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने के लिए हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। तो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच एट प्रोजेक्ट एजुकेशन।